कभी कभी अल्लाह आपका दिल तोड़ देता है, सज़ा के तौर पर नहीं बल्कि आपकी रहनुमाई के लिए, क्योंकि बाज़ वक़ात हम बुरी चीज़ों से मोहब्बत करने लगते हैं और वो चीज़ें हमें आगे मुसलसल तकलीफ़ देने वाली होती हैं। असल में वो चीज़ें या वो इंसान होते हैं जिन पर हम अल्लाह से ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं और हमें भी खबर नहीं होती, और हम जिस भी इंसान या चीज़ पर अल्लाह से ज़्यादा भरोसा करेंगे वो हमें बेसुकून कर देंगी, वो हमसे हमारा सुकून छीन लेंगी। किसी भी चीज़ से या फिर इंसान से मोहब्बत ज़रूरत के लिए नहीं की जाती, इसीलिए अल्लाह हमारे दिलों को तोड़ देता है उन्हीं लोगों और चीज़ों के हाथों से जिनके बारे में हम सोचते हैं कि अगर वो ना मिले तो हम मर जाएंगे। आपका दिल शुरू से अल्लाह के लिए बनाया गया है, और जब आप अल्लाह की जगह किसी और को देते हैं तब आपकी ज़िंदगी में दर्द बढ़ जाते हैं, फिर आजमाइशें आती हैं, फिर हमारे ईमान का इम्तिहान लिया जाता है। हमें ये याद दिलाने के लिए कि अल्लाह के अलावा हम किसी के भी बग़ैर ज़िंदा रह सकते हैं, हम जिन चीज़ों और जिन इंसानों को अपना खुदा बना लेते हैं, अल्लाह हमें हमारे उन्हीं खुदाओं से चोट लगाता है। जैसे कुरान कहता है, सुन लो अल्लाह की याद में दिलों का चैन है।